हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है, तो अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड की हैंगिंग प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हमारे फ़ोन में स्क्रॉल से शो हो रहे हैं, तो इसमें हम स्वाइप करके अपने ऑल आइकन्स ओपन कर लेंगे। तो इसमें जो हमारे ऑल आइकन्स ओपन हो जाते हैं, तो इसमें से हमें सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो हमारे फ़ोन की सेटिंग्स है, देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में स्क्रॉल से ओपन हो रही है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आ जाता है ऐप नोटिफिकेशन, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारे फ़ोन की ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग से ओपन हो जाएगी। फिर इसमें समय सी ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो हमारे सारे ऐप्स हैं हमारे फ़ोन ऐप पर जाते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आता है जी बोर्ड ऐप्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते जो हमारे जी बोर्ड सेटिंग से ओपन हो गया, तो इसमें से हमें स्टोरेज पर क्लिक करना है। तो जो भी हमारे फ़ोन में कीबोर्ड की हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम कीबोर्ड का अपना जो भी डाटा वगैरह होता है, हम उसको अपने फ़ोन में डिलीट कर देंगे। डिलीट करते ही जो हमारा कीबोर्ड है हमारे फ़ोन में नॉर्मल तरीके से चलने लगेगा, और जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही होगी कीबोर्ड की हैंगिंग प्रॉब्लम, हमारे फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार फ़ोन की सेटिंग जाकर कीबोर्ड की हैंगिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।